हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? एक बार फिर से हम अपनी एक नई वीडियो के साथ में, जहाँ पे हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, तो केमिस्ट्री में ही हम नोमेनक्लेचर को पढ़ रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं इसी में, नोमेनक्लेचर पे आगे फर्दर। नोमेनक्लेचर में फर्दर हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हमने इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर यदि किसी भी सिस्टम में, किसी भी एलिमेंट में, अगर यदि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है वैलेंस में, तो हमने उनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके वैलेंस में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो हम उनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो वही सेम फैशन है जिस तरीके से हमने देखा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उसी सेम तरीके से अगर यदि हम देखें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन कौन से हो गए ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? जैसे हमने कहा थ्री, जैसे हमने कहा फाइव, सेवन। इनके बारे में अगर यदि हमें नोमेनक्लेचर करना है, जिस किसी वैलेंस में, जिस किसी एलिमेंट के वैलेंस में ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिनके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है थ्री, फाइव, सेवन, तो उन केसेस में हम किस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर करेंगे एलिमेंट्स का? तो वो होता है, हमारे पास में थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं बोरोन फैमिली में, फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फैमिली में, और सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरीन फैमिली में या फ्लोरीन फैमिली में। हम इनके बारे में बात करते हैं आज कि इनके नोमेनक्लेचर को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे या इनका नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से मेंशन करेंगे। तो हम सबसे पहले अगर यदि हम देखें थ्री और फाइव के बारे में, दोनों का कॉमन है, हम सिर्फ इन इस वाली फैमिली के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में अभी हम कह रहे हैं थ्री और फाइव, जिस किसी एलिमेंट के वैलेंस में थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे। वही सेम चीज़ कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को पुट डाउन करना है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पुट डाउन करना है, हम यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि हम एट वर्ड या आइट वर्ड वहाँ मेंशन करेंगे जहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स को पुट डाउन करेंगे, उसके बाद में हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें जब थ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिस एलिमेंट के वैलेंस में थ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो बोरॉन फैमिली है, अगर इनके वैलेंस में थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इनको दो तरीके से पुट डाउन कर सकते हैं, वन वन और वन, या तो हम इनको इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम पुट डाउन करें वन और टू। हम इनको दो तरीके से पुट डाउन कर सकते हैं, या तो हम वन 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 और दूसरा है हमारे पास में टू एंड वन। अगर यदि हम इनको वन 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 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे मैंने बताया लास्ट वीडियो में, अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले लास्ट वीडियो देख ले, उसके बाद में ये देखे तो अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे जो बोरोन फैमिली है, जिनके वैलेंस में थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इनको पुट डाउन करेंगे वो वन 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 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उस पे हम नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे, और अगर यदि जहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक साथ, वहां पे हम कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अभी हमने यहां पे अगर बोरोन की बात करें, बोरोन में वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पुट डाउन कर दिया। जैसे हमने ऐसे रखा, इनका पेट भरना है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से। अगर यदि ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर अगर यदि हमने पुट डाउन किया बोरोन, दो इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन, कैसे रख दिया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वन, ये बन गया हमारे पास में BO2-, और ये बन गया हमारे पास में BO3-. यहाँ पे अगर यदि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो हम इनका जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो दो तरीके से लिखेंगे, एट ही होगा, बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे फर्क होगा अगर यदि ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन आएंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स ज़्यादा अमाउंट में हैं, तो हम उनको वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्थो, और जहां पे लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स प्रेजेंट है वहां पे हम लिखेंगे मेटा। तो हमारा जो नाम हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा यहां पे ऑर्थोबोरेट, यहां पे मेटाबोरेट, मेटा
बोरेट, और ये हो गया हमारे पास में ऑर्थो बोरेट। यहां पे हमारे पास में दो वर्ड्स आ गए, ऑर्थो वर्ड और मेटा वर्ड। ऑर्थो वर्ड वहां होगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन आएंगे, 1, 2, 3, जहां पे हमने सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन पुट किया। और यहां पे हमारे पास में 2 और 1, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे 3 ऑक्सीजन है, ज्यादा ऑक्सीजन जहां होंगे वहां पे हम लिखेंगे ऑर्थो बोरेट, और जहां पे कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे वहां पे हमारे पास आएगा मेटा बोरेट। अब देखो ऑर्थो में ज्यादा वर्ड है तो मतलब हमने ज्यादा ऑक्सीजन पुट कर दिए, याद रखने के लिए हमने ट्रिक देखा है। अगर ज्यादा वर्ड है तो हमने ज्यादा ऑक्सीजन रखेंगे, यहां पे मेटा में 4 वर्ड है, यहां पे 5 है, तो यहां पे हमने 2 वर्ड रखे हैं, ठीक है। तो अगर यदि हमने इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में जहां पे नेगेटिव, जहां पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 3 और 5 में, तो हम उनका नोमेनक्लेचर करते हैं कुछ इस तरीके से, जहां हम किसी भी एलिमेंट का, जहां पे बोरोन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 3 है तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को पुट डाउन किया, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, अब हम इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पुट करेंगे, वो पुट करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम रख रहे हैं, वो रखा 1, 1, 1 और 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, या तो हम इस तरीके से रख दें या फिर हम इसमें रख दें 1, 1, 2, 2, या तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को पुट डाउन कर दें 2, 1, 1, या फिर हम इसको रख दें 2, 2, 1। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैं फॉस्फोरस से स्टार्ट करता हूँ लिखना, फॉस्फोरस से लिखना स्टार्ट किया तो हमारे पास आ गया फॉस्फोरस पे 2, फिर 1, फिर 1 और फिर 1। या फिर हम दूसरा केस ले सकते हैं इसमें, फॉस्फोरस में 2, 2 और 1। मैंने इसमें 2 तरीके से पुट डाउन किया, यहाँ पे मैंने पुट किया 2, 1, 1, 1 और यहाँ पे 2, 2 और 1। अगर यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन रखा, यहाँ ऑक्सीजन रखा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि हमने तो इसका पेट भर रहे हैं ना ऑक्सीजन से, तो हमने इसके ऑक्सीजन को ऐसे पुट डाउन कर दिया। अब जहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को यहाँ पुट किया और मैं यहाँ पे भी ऑक्सीजन को पुट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बन गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस कंपाउंड में बन गया PO4, 1, 2, 3, 4, 3-। और ये वाला कंपाउंड बन गया, ये वाला बन गया PO3-। जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन उसको बोलते हैं हम ऑर्थो, जहां लेसर ऑक्सीजन उसको बोलते हैं मेटा। जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे बोलेंगे ऑर्थो, जहां लेसर ऑक्सीजन वहां बोलेंगे मेटा। अब ऑर्थो प्लस मेटा, यहां पे ऑर्थो का क्या नाम होगा, यहां पे फॉस्फोरस है तो फॉस्फेट, ऑर्थो फॉस्फेट। ये वाला कम ऑक्सीजन है, यहां पे बन गया मेटाफॉस्फेट। हम इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, जहां पे इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन थे वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, जहां पे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पे हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे कुछ इस तरीके से, जहां पे हम ऑर्थो और मेटा वर्ड यूज करते हैं, और इनके बारे में हम ऐसे जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन उनके लिए ऑर्थो, जहाँ पे लेसर ऑक्सीजन वहाँ पे हम मेटा। अब इसकी जो खास बात है, कई जगह पे इसमें आइट वर्ड और आ जाता है, आइट वर्ड, वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से चेक करेंगे। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन है, सॉरी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे हम 8 वर्ड यूज़ करेंगे, और जहाँ पे लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आइट वर्ड, बाकी सब सिमिलर है। यहाँ पे ऑर्थो और मेटा वर्ड देखना है कि जिसमें ज़्यादा अगर यदि ऑक्सीजन है तो उसके लिए ऑर्थो, और जहाँ पे कम है वो मेटा। अब सबसे खास बात ये है, मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन वर्ड यूज़ नहीं किया, नाइट्रोजन एलिमेंट यूज़ नहीं किया इसमें, मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस लिखा है, नाइट्रोजन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, नेवर फॉर्म 5 बॉन्ड्स। पांच बॉन्ड कभी नहीं बनाते हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम,
क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी एब्सेंस में ये कभी भी पांच बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसीलिए यहाँ पे फॉस्फोरस है वो पांच बॉन्ड बना सकता है, उसकी कैपेसिटी वो पांच बॉन्ड बना सकता है। हम आगे फर्दर इसकी डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ये नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता है, कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कैसे होते हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है नाइट्रोजन पांच बॉन्ड नहीं बनाता है, इस वजह से हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते नाइट्रोजन को यूज़ किया और नाइट्रोजन के लिए लिख दिया। हम यहाँ पे कंपाउंड नहीं बना सकते, NO4 3- नहीं बनेगा। फॉस्फोरस से स्टार्ट करेंगे और उससे नीचे वाले फर्दर एलिमेंट्स, बिस्मथ जो इसमें नाइट्रोजन फैमिली में Bi आता है, ये भी पांच बॉन्ड नहीं बनाएगा, ध्यान रखना है। बिस्मथ में एक इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम की चीज़ आ जाती है, ये कुछ एक्सेप्शंस है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा जिस वजह से बिस्मथ भी पांच बॉन्ड नहीं बनाएगा। हम अगर यदि इसी सीरीज में बात करें, अगर यदि हम इसी सीरीज में बात करें नाइट्रोजन फैमिली की सीरीज की बात करें, तो हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर यदि हम इन दो एलिमेंट्स की बात करें नाइट्रोजन और बिस्मथ की, तो इन दो को छोड़ के एक्सेप्ट दिस, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, बाकी के जो बचे हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये वाले पांच बॉन्ड बनाने में कैपेबल हैं और ये बना सकते हैं। लेकिन ना तो बिस्मथ और ना नाइट्रोजन, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं कि इन दोनों को छोड़ के हमारे पास में बाकी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों अपने अलग अलग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ये इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स पुट डाउन करने हैं तो वो हमेशा टू और वन से ही पुट होंगे, ना कि इसमें अलग तरीके से। जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की पुट डाउन होगी, टू टू वन, टू टू वन, तभी हमारे पास में NO3- बनता है, तभी हमारे पास में बिस्मथ के साथ भी होगा। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से पुट डाउन करना है, लेकिन हमने जब इनमें देखा है तो हम इनमें अलग अलग तरीके से भी पुट कर सकते हैं, टू वन वन और वन। लेकिन हम यहाँ पे कभी इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे तरीके से फॉर्म नहीं कर सकते या फिल नहीं कर सकते, बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसी में, ये तो था थ्री इलेक्ट्रॉन्स और फाइव इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी में जो सेवन इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में, अगर यदि वो एलिमेंट्स ले ले हम जिनके वैलेंस में सात इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो एलिमेंट्स ले लें जिनके वैलेंस में सात इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो है हमारे पास में सेवन इलेक्ट्रॉन्स वाले, सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसमें, फ्लोरीन फैमिली में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फर्स्ट थिंग, उसी सेम तरीके से हम फ्लोरीन को यूज नहीं करेंगे, पहली बात, नॉट यूज्ड। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फ्लोरीन कभी भी सात बॉन्ड नहीं बनाता है, पहली बात, क्योंकि इसके पास भी वही सेम चीज़ है कि इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, और इसकी वजह से इसकी एब्सेंस में ये सात बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसके नीचे वाले एलिमेंट्स की अगर यदि हम बात करें, तो हमारे पास में कंपाउंड है Cl(O)-, ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं, Cl(O)-, बनेगा Cl(O)-, बनेगा Cl(O)-, बनेगा Cl(O)- बनता है। इसके नाम में, इनके नोमेनक्लेचर में एक हल्का सा चेंज आ जाता है, और वो चेंज क्या आता है, इसको हम बोलते हैं पर क्लोरेट, इसको बोलते हैं पर, यहां पे एक वर्ड आ जाता है अलग से, पर। दूसरा इसको बोलेंगे हम क्लोरेट, इनको हम बोलते हैं क्लोराइट, और ये हो जाते हैं मेटाक्लोराइट, ठीक है। हमारे पास में यहां पे एक अलग से चीज आ जाती है, और वो आती है पर क्लोरेट से नाम लिखना स्टार्ट करते हैं हम इसका, इसका नाम जो लिखना स्टार्ट करते हैं वो लिखते हैं हम पर क्लोरेट से, इसका नाम जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे पर क्लोरेट से, क्लोरेट, फिर आएगा हमारे पास क्लोरेट, फिर क्लोराइट, और इसको लिखेंगे मेटा, सॉरी, हाइपो, हाइपो, हाइपोक्लोराइट।
हम जब भी इनके नाम लिखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे ये वर्ड आता है पर, जिसका मतलब है हमारे पास में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की टर्म आएगी। हम इनके वैलेंस के 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से पुट डाउन करते हैं जहाँ पे हमारे पास 2, 2, 2 और 1। यहाँ पे वही सेम चीज़, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, एक चार्जलेस ऑक्सीजन को, चार्ज सिमिलर है लेकिन एक चार्जलेस ऑक्सीजन को हम रिमूव कर रहे हैं और उसके बाद में हमारे पास में नोमेनक्लेचर बनता जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम इसके वर्ड को लिखेंगे तो ये होता परक्लोरेट। जैसे हमसे किसी ने कह दिया पोटाशियम परक्लोरेट का फॉर्मूला लिखिए, पोटाशियम परक्लोरेट, तो पोटाशियम के लिए तो हमने के लिखा, क्लोरेट परक्लोरेट क्या होता है, परक्लोरेट होता है ClO4-, तो माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 1-1, तो KClO4। तो हमें जब भी किसी भी कंपाउंड में अगर यदि हमने नाम लिखना है, नोमेनक्लेचर लिखना है, तो वो हमारे पास में डिपेंड करेगा कि उस नोमेनक्लेचर में किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पुट डाउन है, इलेक्ट्रॉन्स किस किस तरीके के हैं और कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हम उसी हिसाब से उनके नोमेनक्लेचर करते हैं। अब आपने कई सारी जगह पे, ये तो था मेन मेन चीज़ें, कई सारी जगह पे आपने एक वर्ड और देखा होगा कि जिसमें कंपाउंड्स के बीच में वर्ड आ जाता है बाई, या कई जगह पे आ जाता है थायो, थायो वर्ड आ जाता है, कई जगह पे बाई वर्ड लिखा जाता है, कई जगह पे थायो भी लिखा होता है। जैसे किसी ने बोल दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, कई जगह पे लिखा होता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इनका मतलब क्या है, ये बाई वर्ड जो आ गया अलग से, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो भी लिखा है वो एज इट इज आएगा, जो भी लिखे हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पे जब हम बाई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बाई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो बाई वर्ड का मतलब है हमारे पास में मेटल के पास में वेरिएशन मिलेगा, मेटल के पास वेरिएशन मिलेगा, जो यहाँ पे मेटल नॉन मेटल जो भी अटैच्ड होगा, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, जो अटैच्ड होगा उसके ऊपर वेरिएशन मिलेगा। और वो क्या मिलेगा, अगर यदि हम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखते हैं, कार्बोनेट का फॉर्मूला बना, वो बना कार्बन, कार्बन के वैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं 2, 1, 1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, माइनस माइनस, तो ये बन गया CO3-, कार्बोनेट, तो ये होता है। अब हमने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट लिखना है, अगर यदि मुझे सोडियम कार्बोनेट लिखना है तो मेरे पास में फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। लेकिन जैसे मेरे पास में यहाँ पे बाई वर्ड लिखा गया, इसका मतलब मुझे एक मेटल को या एक जो भी इसके साथ में नॉन मेटल या मेटल कुछ भी अटैच्ड है, अगर यदि वो अटैच्ड है हम उसको रिमूव करें और उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन लगा दें, मैंने यहाँ पे लिखा NaHCO3, तो ये बन जाता है मेरे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही सल्फेट, अगर मुझे कहा सल्फेट के लिए, थायोसल्फेट के लिए अगर यदि वर्ड लिखना है, मेरे को नोमेनक्लेचर में कंपाउंड बनाना है सोडियम थायोसल्फेट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सोडियम, सोडियम तो मेरे पास में सोडियम होता है, Na पॉजिटिव होता है, थायोसल्फेट इसमें क्या करना है, मुझे सल्फेट देखना है, सल्फेट क्या होता है, सल्फेट होता है सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2, 1, 1, ऐसे पुट किया, ऑक्सीजन रखा, ऑक्सीजन रखा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये वाले दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, माइनस माइनस, ये आ गया हमारे पास में SO4-2-, सल्फेट तो यही होता है। अब यहां पे मेरे पास में क्या करना पड़ेगा, जहां मेरे पास में ऑक्सीजन जिसके ऊपर दो चार्जलेस ऑक्सीजन है, उनमें से एक चार्जलेस ऑक्सीजन को रिमूव करना है और उसकी जगह पे एक सल्फर जोड़ देना है, थायो वर्ड का मतलब होता है, थायो वर्ड होता है सल्फर के लिए, तो हमारे पास में यहाँ पे सल्फर लगा दूँ, एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, रिमूव करते मेरे पास ये सल्फर आ गया, अब कंपाउंड बन गया S2O3, तो मेरे पास में ये कंपाउंड बन जाएगा S2O3-2-, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं, सिर्फ फर्क पड़ा सल्फर और ऑक्सीजन का, मैंने इसकी जगह पे सल्फर लगा दिया
और मैंने यहाँ पे लिख दिया एन ए पॉजिटिव, 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एन ए टू एस टू ओ थ्री सोडियम थायोसल्फेट। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अगर यदि मेरे पास में किसी भी जगह पे जहाँ पे मेरे को नोमेनक्लेचर करना है, वो नोमेनक्लेचर मैं इस तरीके से करूँगा कि मुझे ये चेक करना है सबसे पहले कि मेरे पास में वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर यदि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम उनको अलग अलग तरीके से पुट करेंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको किस तरीके से पुट करेंगे वो मैंने डिटेल्ड इनके बारे में डिस्कस किया है। नोमेनक्लेचर के बारे में ये वाला पूरे का पूरा, अभी हमने सिर्फ इतना बात किया है, एट वर्ड किसके पीछे आते हैं, आइट वर्ड किसके पीछे आता है, या फिर मेरे पास में आइड वर्ड किसके पीछे आता है। अभी हमारे पास में एक एसिड, एसिड्स के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया है, एक अस एसिड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम फर्दर आगे डिटेल्ड डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। नोमेनक्लेचर अभी से कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे पहले हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जब हम एक एसिड और अस एसिड पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा और कुछ भी जानना है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, फिर हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जहाँ पे हम नोमेनक्लेचर में इनके बारे में कम्प्लीटली देख चुके हैं कि हम इनका नेमिंग कैसे करनी है, और उसके बाद में हम अगली बार ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी के बाद में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे एक एसिड्स और अस एसिड्स कैसे लिखते हैं। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।